नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे गांधी जी के तीन बंदरों की। आप सभी जानते हैं, सभी बच्चे और बूढ़े सभी ने सीखा हुआ है गांधी जी के तीन बंदर कौन थे, और ये बहुत ही आवश्यक है जीवन में खुश रहने के लिए। तो शुरुआत करते हैं उन तीनों बंदरों से, और गांधी जी का क्या तात्पर्य था ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनका तात्पर्य क्या था उन बंदरों के पीछे। तो उनके पहला बंदर था बुरा मत देखो। तो उन्होंने बंदर बैठा रखा था और आंखें ऐसे बंद करके बैठा रखी थी। तो इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, और ये हमारे जीवन में खुशियां कैसे ला सकता है? तो हम अक्सर हमारी जो ऊर्जा हमारी आँखों से बहती है और हम देखते हैं, हम परसीव करते हैं दुनिया को, और ये आंखें क्या देखती हैं, और देखने के बाद उस घटना को, उस व्यक्ति को, उस सिचुएशन को कैसे परसीव करती है वो बहुत मैटर करता है। एक सिचुएशन लें, उसको हम देख रहे हैं, मान लीजिए हम एक सिचुएशन देख रहे हैं कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, और हम वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं, तमाशा देख रहे हैं जी, कि कुछ कर नहीं रहे हैं, पर हम उस समय क्या कर रहे हैं, हम एक बुराई देख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई अच्छाई नहीं कर रहे हैं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक हम बुरा देख रहे हैं, उस बुराई को दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस मज़े ले रहे हैं। तो ये भी एक बुरा देखना है, तो बुरा मत देखिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे कम से कम हम अस्पताल में या पुलिस को फ़ोन तो कर सकते हैं, अगर हमको तो उठा के नहीं ले जा रहे हैं, तो ये हम कर सकते हैं। तो उसमें इंडल्ज ना करें, बुरा देखने में इंडल्ज करना बुरा है। वहाँ से हम एक नेगेटिव एनर्जी लेके जा रहे हैं, एक व्यक्ति परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, हम सहायता नहीं कर रहे, तो वो बुरा देखना जो है हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसे काम करता है, जैसा हम करते हैं वैसा हमें मिलता है। भगवान ना करे हम कभी किसी सिचुएशन में पड़े हैं जहाँ हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे लोग भी बुरा देखेंगे, मतलब हम पड़े हैं बीमार या एक्सीडेंट में और कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हमें कैसा लगेगा, हम चाहेंगे ना कोई हमारी मदद करे। तो ये हमारे छोटे 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 एक्शंस हैं, ये छोटे छोटे कर्म हैं जो हमें जीवन में अपलिफ्ट करते हैं, हमें आगे ले जाते हैं। ये एक फिज़िक्स का भी लॉ है, जैसा हम करेंगे वैसा हम बनेंगे। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो एक्शन हम करते हैं उसका रिएक्शन नेचर हमें, परमात्मा हमें फौरन देता है। तो बुरा देखना हमें बंद करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, अगर हम जीवन को सुखी रखना चाहते हैं। और बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम बुरा देखते हैं, हम देख रहे हैं कि दो पड़ोसी हैं लड़ रहे हैं, और हम कुछ इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, उनको हम कुछ मोटिवेट नहीं कर रहे उसमें से निकालने के लिए, हम बस मज़े ले रहे हैं उन दो लोगों के। तो ये भी एक बुरा देखने वाली सिचुएशन है। हम देख रहे हैं कि आसपास लोग बुराइयों में इंडल्ज कर रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया पे कुछ कुछ लोग गंदा गंदा कचरा डाल रहे हैं, कुछ किसी के बारे में नेगेटिव डाल रहे हैं, तो ये हम बुरा देख रहे हैं। तो मित्रों, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, या कुछ नेगेटिव मैसेजेस हम पढ़ रहे हैं, लोग कुछ भी ऊट पटांग, दस दस साल पुराने वायरल मैसेजेस बार बार रिपीटेड कर रहे हैं, और हम रिपोर्ट नहीं करें, कम से कम एडमिन को बोल सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये बुरा देखना हमें अक्सर बंद करना पड़ेगा। एक और बुराई जो मैं अक्सर देखती हूँ कि हम गाड़ी में बैठे हैं, मजे से ड्राइव कर रहे हैं, अब आसपास हमारे बहुत सारा ट्रैफिक है, और हम बस चिड़ अरे कितना ट्रैफिक है, कितनी पॉपुलेशन है, ये लोग क्या कर रहे हैं, तमीज़ से नहीं चलाते, तो हम कर क्या रहे हैं, बुरा देख रहे हैं। तो ट्रैफिक को कर्स कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि आसपास अरे वाह कितनी अबंडेंस है, कितनी गाड़ियाँ बढ़ गई हैं दिल्ली शहर में, कितने लोग हैं जो प्रॉस्पेरिटी के अंडर आ गए हैं, तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। तो ये ट्रैफिक और परेशानियाँ देखने की जगह हम ये देखना शुरू कर सकते हैं कि हमारा शहर कितना प्रॉस्पेरस हो चुका है। तो उससे हमें एक सुकून भी मिलेगा, हमें एक शांति भी मिलेगी, हमें एक पॉजिटिविटी भी मिलेगी, रादर देन कि ये गलत है वो गलत है, हमारी रोड में चिक चिक हो रही है, पड़ पड़ हो रही है, और लोग शोर मचा रहे हैं, हॉन्किंग कर रहे हैं। तो ये हमारी परसेप्शन है, इस परसेप्शन को हम बदल सकते हैं पॉजिटिविटी में, हम कह सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी तो है ही, वो भी एक प्रॉस्पेरिटी है। तो हम देखना शुरू करें कि
कि हमारा जो ग्लास पानी का है वो आधा भरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये ग्लास जो है आधा खाली है, या हम ये देख सकते हैं कि वो आधा भरा है, या हम ये देख सकते हैं वो पूरा भरा हुआ है आधा पानी से आधा हवा से। तो ये देखना शुरू करना चाहिए हमें, बुरा देखना बंद कीजिए। तो दूसरा आता है बुरा मत बोलो। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, पार्क में अक्सर रिटायर्ड लोग बैठे होते हैं तो चर्चा कर रहे हैं फला गवर्नमेंट की फला पॉलिसी ख़राब है, आजकल ये हो रहा है, आजकल इकोनॉमी ख़राब है, आजकल फला चीज़ ख़राब है, ये इस बंदे ने ये कर दिया, उस बंदे ने वो कर दिया, इस पॉलिटिकल पार्टी में ये ठीक नहीं है, उस पड़ोस में ये ठीक नहीं है, ये कचरा हो रहा है, वो कचरा हो रहा है। तो ये जो हमारे शब्द हैं जो हम बोलते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जो हैं बुरा दे बोल रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बुरा बोलने से हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं, इस बुरा बोलने से हमारे देश का कोई लाभ होने वाला नहीं, इस चर्चा से हमें मिल क्या रहा है, कुछ भी नहीं। बुराई करने से, बुरा बोलने से किसका भला हो रहा है, ये कोई हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये हमारी सिचुएशन को चेंज करने की कोई हमारा एक्शन नहीं है। तो हम इससे बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव बोलना तो बहुत आसान है, नेगेटिव देखना तो सबसे आसान काम है, हर पल हम यही सीखे हैं, यही कर रहे हैं। तो बुरा बोलना, बुरे चर्चा करनी, बैक बाइटिंग करनी, एक दूसरे की बुराइयाँ करनी, किसी दो लोग बैठ गए तीसरे की बुराइयाँ करनी, तो उससे क्या वो सुधर रहा है, उससे वो सुधर नहीं रहा। अगर हम में गट्स हैं, हम में पावर है, तो हम उस व्यक्ति को जाके क्यों ना बोलें कि तुमने ये बुरा किया, पर अक्सर हमें वो गट्स नहीं होते बोलने के। उस व्यक्ति को अगर हम बोलें तो शायद हम उसे कंट्रीब्यूट कर पाएँ कि आपने ये गलत किया था, तो वहाँ पे आपकी एक कंट्रीब्यूशन होगी, आपकी एक पॉजिटिव एक्शन होगा, रादर देन दो लोग मिलके तीसरे की चर्चा करें कि उसने ये गलत करा। तो ये हमारी एक पावर दिखाएगा कि अगर हमने उसी व्यक्ति को बोला कि भैया ये गलत एक्शन था और ये नहीं होना चाहिए था, रादर देन हम उसके बारे में गॉसिप करें। तो गॉसिप करना, बुरा बोलना एक बहुत बड़ा अत्याचार है अपने समय के साथ, अपने साथ, अपने समाज के साथ, अपने देश के साथ। तो हमें ये अत्याचार करना बंद करना चाहिए अपने जीवन को सुखी और समर्थ बनाने के लिए। अब तीसरा है बुरा मत सुनो। अब अक्सर हम जा रहे हैं, कोई दो लोग कोई चर्चा कर रहे हैं और हम उसे सुन रहे हैं कि अरे क्या बातें कर रहे हैं, और वो बातें वही गॉसिप की कर रहे हैं, कुछ भी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। तो हम उन दोनों को भी नहीं रोक रहे हैं, हम उन दोनों को नहीं कह रहे हैं भैया ये बेकार चीज़ें, हम बस सुन के मज़ा ले रहे हैं। तो ये भी अपने समय के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ अत्याचार कर रहे हैं। हम जो हैं एक नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं अनजाने में, और वो नकारात्मक ऊर्जा लेके जब हम घर जाते हैं तो हम भी वही घर वालों से लड़ते हैं, एक दूसरे की बुराइयाँ करते हैं और घर की एनर्जी को काम बुरा करते हैं, और यही ऊर्जा हम अपने काम पे लेके जाते हैं। तो वहाँ पे भी हमारी परफॉर्मेंस, हमारा आउटपुट, हमारी इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस कम होती है। तो इन तीनों को फॉलो करें, बुरा ना देखें, बुरा ना बोलें, बुरा ना सुने। ये करने से हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी, हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, हमारे फाइनेंसेस अच्छे होंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो गांधी जी ने जो सिखाया है उसका पालन करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे एक बढ़िया सा मोटिवेशनल वीडियो के लिए।